मुस्लिम परिवारों में बच्चों की संख्या को लेकर हमेशा विवाद रहा है। भारत में भी ये देखने को खूब मिलता है। यहाँ तक कि अक्सर ये भी आरोप लगता रहा है कि ये धार्मिक आबादी कई हथकंडे अपना रही है ताकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा हो जाए, और अब ये बात तो ग्लोबल लीडर भी कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई वे ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं? अगर हाँ तो क्या ऐसा भारत में ही है या दुनिया में भी यही पैटर्न है? नमस्कार, मैं हूँ गुलविश और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में हुई एक रैली में कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश की दौलत घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को बांट सकती है, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ज्यादा बच्चों वाली बात एक विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिमों को टारगेट करके कही गई है, जिसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से कांग्रेस ने की। मुस्लिम परिवारों के ज्यादा बच्चों को पैदा करने पर हमेशा ही विवाद रहा है, लेकिन अक्सर भारत में ये आरोप ज्यादा लगता रहा है कि ये रिलीजियस पॉपुलेशन तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि उनकी संख्या सबसे ज्यादा हो जाए। लेकिन इन आरोपों में कितना दम है, यही बताने के लिए हम आए हैं। जनसंख्या का दबाव एक गंभीर समस्या है, लेकिन देश में कुछ लोग या कहें कई हिंदू नेता सिर्फ मुसलमान आबादी को समस्या मानते हैं, तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नहीं। अगर ऐसा होता तो बार बार हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह नहीं देते। याद कीजिए, जरा सा दिमाग पर जोर डालिए, कितनी बार ऐसा बयान सामने आता है जब हिंदू नेता हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत देते नजर आते हैं। वैसे ये बात बिल्कुल सच है, और ट्रेडिशनली देखा जाए तो मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हिंदुओं से ज्यादा रही है, और आज भी 16.76% के मुकाबले 24.6% है। लेकिन ये डर फैलाना या तो मूर्खता है या फिर षड्यंत्र कि मुसलमान आबादी 2035 तक हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर पीयू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। ईसाई महिलाएं बच्चों की दर के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जबकि हिंदू और जैन महिलाओं की फर्टिलिटी रेट तीसरे नंबर पर है। यानी भारत में प्रमुख धार्मिक समूहों में मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है, उसके बाद हिंदू और फिर जैनियों का नंबर आता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि मुसलमान जानबूझकर आबादी बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे कोई धार्मिक खोर है कि वे हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। हालांकि ये नफरत भरी नादान सोच का नतीजा है। मुस्लिम परिवारों में ज्यादा फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फ्यूचर ऑफ रिलीजन के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है महिलाओं की कम उम्र में शादी। ये सिर्फ एक डेटा है। ज्यादातर इस्लामिक देशों में प्यूबर्टी आते ही यानी कि पीरियड्स आते ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ये बच्चियां कम उम्र के साथ कम पढ़ी लिखी भी होती हैं, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में इन्हें पता नहीं होता, और ना ही कच्ची उम्र में उनके पास इतनी हिम्मत होती है कि वे जल्दी या ज्यादा बच्चे पैदा करने का विरोध कर सकें। वैसे तो आबादी के लिहाज से भारत पहले पायदान पर पहुंच गया है, लेकिन फिलहाल धार्मिक समूहों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि साल 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, तब भारत में 17.22 करोड़ मुसलमान थे, जो देश की कुल आबादी का 14.2% था। भारत के अलावा दुनिया में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। अगर केवल मुस्लिम बहुल देशों की बात करें तो कई आंकड़े साफ हैं, जैसे मुस्लिम देश नाइजर में एक महिला औसतन 7 संतानों को जन्म देती है। इसके बाद टॉप 10 में जितने भी देश हैं उसमें फर्टिलिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं जहां इस्लाम फैल चुका है। देश के ज्यादातर मुसलमान गरीब हैं, उनमें साक्षरता की दर हिंदुओं से कम है, सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी आबादी के अनुपात बहुत कम है। हालांकि सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं, और अब मुस्लिम युवाओं में भी पढ़ाई लिखाई को लेकर क्रेज देखा जा रहा है, और इसकी गवाही हाल ही में आए यूपीएससी के नतीजे भी दे रहे हैं, क्योंकि इस बार लगभग 1000 कैंडिडेट्स में से करीब 51 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने अपनी जगह बनाई है, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाला ठप्पा इस समुदाय पर जो लगा है वो भी जल्द हटेगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।